मैं एक नाजायज को जायज होने की एक्सेप्टेंस नहीं मिलने दूंगा। अगर ये इस घर में रहेगा तो इसके साथ ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा ये खुद है, गंदगी की पैदाइश। अंबिकाओ समझा भी दे सूरज ने। कि अपनी जुबान संभाल के बात करें। बाबूजी शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। बाबूजी प्लीज शांत हो जाइए, आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। शांत ही जाओ। आपने हमें यहाँ क्यों आने दिया अम्मा? रोक क्यों नहीं लिया हमें? आपकी डांट मार में भी अपनापन था। यहाँ तो सब हमारे वजूद पर ही सवाल उठा रहे हैं। अम्मा आपने क्यों हमें भेज दिया यहाँ पर? अरे कबीरवा, अगर हम तुमको राजकुमार निवास नहीं भेजे होते तो हम अपने निवास में राज कैसे करते? मन कर रहा है ना बस तुम्हारा माथा चूम ले। आज तुम्हारी वजह से इतना महल हाथ लगाए। अरे वाह, पैसा ही पैसा होगा, जीवन कुछ ऐसा होगा, ऐसो आराम होगा, ना कोई दुख होगा ना कोई दर्द होगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। है पर थोड़ा सावधान होना होगा, चोरों से इसे छुपा के रखना होगा। सच में अम्बे माँ बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे हम तो उसको बस अंबिका बहन का दामाद बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो उसको सीधा बेटा बना दी। अरे क्या बात है। अरे अब होगी हमारी 10 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। अरे हम तो पूरा का पूरा कढ़ाई में बैठ जाएंगे। दुनिया भर की माए ये उम्मीद लगाती है कि उनके बच्चे उनके सपने पूरे करेंगे। पर अपने बच्चे को बेचकर अपने सपने पूरे करने वाली पहली माँ हो आप। हाँ हाँ टीचर जी, माना कि ज्ञान फ्री में आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा ज्ञान अपनी अम्मा को दे दो। पहले अपना जानकारी दुरुस्त कर लो। और हाँ, हम अपने बिटवा को नहीं बेचे हैं। वो राजगौर का बड़का बापू अपने बिटवा के बिटवा को हमारे यहाँ छोड़ कर गया था, और बचपन से लेकर आज तक हम जितना उसकी परवरिश में खर्चा किए हैं, अगर वो FD में डाले होते ना तो 7.5% ब्याज बैठ कर खा रहे होते, समझी कि नहीं? आई बड़ी हमको ज्ञान देने वाली। अरे जाओ हमारे लिए चाय बना कर लाओ, इलायची डाल देना, बहुत पैसा है अब हमारे पास। चाह कर भी आपका सच्चाई हम नहीं बता सकते भैया को। एक इंसान का दिल कितनी बार टूटेगा भला? कबीर बेटा, अपना दिल टूटने मत दे। सूरज का गुस्सा आज नहीं तो कल ठंडा हो ही जाएगा। अम्बे माँ पर छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। आपका पोता मिलन हो गया हो तो वे थोड़ा आराम कर ही लो। अरे अरे ना कबीर, मेरे पास अब कबीर मेरे पास ही रहेगा। तो मैं कहाँ रहूंगी? अरे बापूजी, अगर कबीर आपके सामने रहेगा तो आप आराम नहीं करेंगे, और वैसे भी कबीर तो आप इसी घर में रहेगा तो आप जब चाहे इससे मिल सकते हैं। हाँ। कबीर भाई आप मेरे साथ चलो ना, मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है मेरा रूम आपके लिए। दर्शन, कबीर हमारे घर का मेहमान नहीं है अब, जो वो कुछ दिन के लिए कहीं पे भी रह जाए, अब से वो इसी घर में रहेगा तो उसका भी खुद का अलग परमानेंट रूम होगा। कबीर बेटा, मैं जानती हूँ तेरे साथ सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया है, ठीक से सोचने समझने का तुझे समय ही नहीं मिला। तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल परेशान मत होना, ये तेरा परिवार है। इसे अपनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसे अपना समझने की शुरुआत कर दे, और हो सके तो अपनों की गलतियों को
भुलाने के बारे में भी सोच। केसर बेटा, कबीर ने एक दोस्त होने के नाते तेरा हर कदम पर साथ दिया है, अब तेरी बारी है। जैसे इस घर के सब सदस्यों को हमेशा तूने जोड़ के रखा है ना, वैसे ही इस घर से जुड़ने में कबीर की मदद कर। इसे यहाँ कोई तकलीफ ना हो, सबसे घुल मिल जाए ये बाकी सबसे, और बाकी सब इसे खुले दिल से स्वीकार कर ले। इन सारी बातों का भार मैं तुझे सौंपती हूँ बेटा, तू इस घर की बहू है। आपस के भेदभाव को भुलाकर सबको साथ लाना, मोतियों की माला की तरह सबको एक धागे में पिरो कर रखना, ये तेरी जिम्मेदारी है केसर। बा, मैं आपकी बहू, अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। तो जा, तेरे बापूजी के पोते को इसका कमरा दिखा दे। क्या दिख रहा? जैम्बे बाबा। जैम्बे बेटा। जैम्बे। अबे तुम्हें आराम करो, थोड़ी बार सुई जाओ। अबे धूल का फूल है तू, सूरज। अगर ये इस घर में रहेगा तो इसके साथ ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा ये खुद है, गंदगी की पैदाइश। कबीर, इस घर में सबने मुझे भी अपनाने में समय लगाया था, तुम देखना धीरे धीरे ये घर तुम्हें भी अपना लेगा, और फिर इन सब घर वालों का दिल तुम एक बार फिर जीत लोगे। वैसे अच्छा है अब तुम आ गए हो, तो मुझे किसी की फिक्र नहीं होगी, मैं अब आराम से जा सकती हूँ। क्या हुआ कबीर, रुक क्यों गए, साथ चलो। बीच मझधार में अकेला छोड़कर बोल रही हो साथ चलो? बात तो कितनी अजीब है ना कबीर, तुम अभी अभी आए हो और मेरे जाने का समय हो गया। ऐसा मत कहो केसर, प्लीज तुम अभी मत जाओ, हमसे नहीं हो पाएगा। केसर, तुम्हारा साथ ही हमारा सहारा है, हमारी हिम्मत है, अगर तुम चली जाओगी तो हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पर। ठीक है। थैंक यू। तेरे आराम से रहने का पूरा इंतजाम कर दिया मैंने कबीर, एक बार अपने कमरे में एंटर तो कर। क्या है? इतनी तेज स्मेल किसकी है? कितना अच्छा स्वागत किया तुमने हमारा केसर, पहले उस रॉड के साथ और अब इस गोबर के साथ। सब कर कौन सकता है, तुम टेंशन मत लो कबीर, मैं अभी इसे साफ करवाती हूँ। अरे साफ कर दोगी तो ये यहां रहेगा कैसे? व्हाट एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस, खुशबू और बदबू का फर्क तुम्हें और मुझे पता है केसर, पर इस गंदगी में रहने वाले कीड़े को क्या पता कि खुशबू किसे कहते हैं। मुझे थैंक यू बोल कबीर, अगर मैं ये गोबर नहीं डालता तो तू यहाँ सो कैसे पाता, कचरे से उठकर महल में आ गया ना, एडजस्ट नहीं कर पाता तू। कबीर, बाय द वे थैंक यू सो मच सूरज।
ये क्या कह रही हो किसे? सही तो कह रही हूँ मैं कबीर। पता है बहुत सालों पहले किसी भी पूजा में जब देवताओं का आह्वान होता था तो ऐसे गाय का गोबर पूरे आंगन में लीपा जाता था। और आज भी बहुत गांव में ये ट्रेडिशन है, जब कोई स्पेशल गेस्ट घर में आता है तो उनके स्वागत के लिए यही लेप लगाते हैं। सो अनजाने में ही सही, पर कबीर का इतना डिवाइन वेलकम करने के लिए थैंक यू। मैं भी देखता हूं तुम अपने दोस्त कबीर को कब तक बचा पाती हो। बाय द वे, तुम्हें इसे इसका कमरा दिखाना था, दिखा लिया ना? अब चलो मेरे साथ। पराए मर्द के कमरे में क्या करोगी? चलो। सूरज, आज तो आपने बदतमीजी करने की हिम्मत की, अगली बार मत करना। मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूं कि आपकी मर्जी से इधर उधर जाऊंगी। तुम्हारा सुरक्षा कवच केवल 21 दिन का था केसर, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। फिर देखता हूं कि कौन किसकी प्रॉपर्टी है, समझी तुम? एंड गुड लक क्लीनिंग दिस लीपा पोती। घर के सारे नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया मैंने। मेरे और सूरज के बीच आने की कोशिश मत करना। हम सब साफ कर लेंगे कि सर, तुम चली जाओ। सही कहा तुमने, हम साफ करेंगे, यानी कि तुम और मैं। हम के सर, हम मतलब तुम्हारा वाला मैं और हमारा वाला हम। तो हम साफ कर लेंगे। नहीं केसर, एक दिन में हमारी कितनी मदद करोगी? कल का कोटा भी आज ही पूरा कर लोगी क्या? नहीं नहीं केसर, हम कर लेंगे ना साफ। ठीक है, अच्छे से साफ करना। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से करेंगे। अब इतना दिव्य स्वागत हुआ है हमारा, तो नॉर्मल लोगों के रहने लायक तो बनाना पड़ेगा ना इसे। हम कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल बेटा कबीर यादव, वाह भोलेनाथ, मतलब क्या जीवन बदला आपने हमारा। नहीं, जय हो प्रभु, जय हो। चल भाई कबीर यादव, शुरू हो जा। ये तो बहुत लग नहीं रहा कैसा। जितना ये आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं कबीर। हाँ, आज तक इस झाड़ू से हम पिटे ही थे। जब आज पहली बार हाथ में लिया तो समझ में आया कि अम्मा घर गंदा करने पर इतना क्यों गरियाती थी हमारे ऊपर। बढ़िया। अच्छा, इसी बहाने तुम्हें ये तो समझा कि औरतें घर में कितना काम करती है। हो गया तुम्हारा ट्राई करके, अब हम दोनों मिलके साफ कर ले। चलो आओ, हाथ धो अपना। नहीं, हम गिर जाएंगे। नहीं गिरेंगे। अब मत गिरना। मैं कुछ लेकर आती हूँ। समाल समाल के। ठीक है।
वैसे हम सोच रहे थे कि सर अगर तुम नहीं होती तो हम मतलब ये सब कैसे करते हैं? ये सब कल सोचना, अभी सो जाओ, फिर जब मैं सुबह आरती करूंगी तो तुम्हें टाइम पे जगना पड़ेगा। चलो सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। चल कबीर आजा, आजा बेटा। माँ की आरती को मना नहीं करते। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी फैमिली के साथ पूजा में शामिल हो गया। बोलो अंबे मात की जय। इस परिवार को हमेशा साथ रखना। आंसू, मैं सब ठीक करूंगी। बदतमीजी है सूरज। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह ड्रामा शुरू हो गया। वाकई कबीर के आने से गुजराती दाल में यूपी वाली मिर्च का तड़का लग गया है। अम्बे माँ की आरती बुझना बहुत बड़ा अपशगुन है। ये क्या अनर्थ कर दिया तूने सूरज? अनर्थ नहीं किया माँ, अनर्थ होने से बचा लिया। इस गंदी नाली के कीड़े को हमारा मंदिर अपवित्र करने से रोक लिया मैंने। सूरज, बहुत सुन ले तेरी बकवास। ये मंदिर अपवित्र होगा तेरी इस घटिया सोच से, और उससे भी ज्यादा तेरे घटिया कर्मों से। सुना मां, काकी बा सुना आप सबने, ये मुझे पवित्रता का लेक्चर दे रहा है। ये जिसने ना अपनी मां का नाम पता ना अपने बाप का। सूरज, प्लीज शांत हो जाओ। सूरज, ये क्या बोल रहा है तू? गलत क्या कह रहा हूं? इसकी नजरें तो पहले से हमारे पैसों पर थी, तभी तो इसने कोई मौका नहीं छोड़ा इस घर में घुसने का। माँ को काकी काकी बोलकर प्यार से घूमता रहा, आपके आगे पीछे घूमता रहा, कभी त्योहार के बहाने, कभी काम के बहाने, कभी केसर के बहाने, कभी दर्शन के बहाने, ये इस घर में अपने पैर जमाने की कोशिश करता रहा। और जब किसी तरह अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया ना, तो खुद को इस घर का बेटा डिक्लेयर कर दिया। वाह, आप इसे राजकौर खानदान का वारिस समझ रही है, पर असल में गंदगी की औलाद है ये। बा कुछ बोले ना, रोके ना सूरज को। बस सूरज बस, कबीर तेरा भाई है, हीरेन का खून है ये।
आपको कैसे पता? हाँ, बापूजी ने बोल दिया और आप सबने मान लिया। कोई प्रूफ है इस बात का? कोई फोटो, वीडियो, लेटर है कुछ? तो बिल्कुल सही कह रहा है सूरजपा, कोई सबूत नहीं है कि कबीर सच में धीरेन भाई का बेटा है, तो ये भरोसा कैसे होगा काकी? मैं बताता हूं, कबीर को डीएनए टेस्ट करवाना होगा। हर आने वाला कल एक उम्मीद लेकर आता है और इसी उम्मीद के सहारे मंजिल की ओर बढ़ते हैं कदम। ऐसा ही है लक्ष्मी का जीवन, जो आने वाले कल में अपनी बेटी पार्वती के साथ करेगी नए युग की शुरुआत। देखिए हमारे साथ लक्ष्मी का नया सफर भाग्य लक्ष्मी, कल रात 8:30 बजे जी टीवी पर।